हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन केयर, जो आप मेकअप करने लगाने से पहले आप इसको स्किन केयर करोगे तो हमारा जो स्किन है वो स्वेट प्रूफ हो जाएगा, हमें स्वेटिंग नहीं होगी और हमारा स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोई लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने स्किन केयर करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है अपना फेस को अच्छे से फेस वॉश करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हिमालय का नीम फेस वॉश। इससे मैं थोड़ा सा लेके और पूरा फेस पे अच्छे से 2 मिनट तक मसाज करूँगी। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी फेस के डट वगैरह है वो अच्छे से निकल जाता है, जम्स वगैरह अच्छे से निकल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम तुरंत फेस वॉश कर लेंगे तो अच्छे से वो हमारा फेस क्लीन नहीं हो पाता है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है स्क्रब। स्क्रब करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एवरयूथ का स्क्रबर। तो इसको मैंने अपने फेस पे थोड़ा सा लिया है हैंड में और अपने दो से तीन मिनट तक मैं इसको अच्छे से हल्के हाथों से अपने फेस पे अच्छे से मसाज करते हुए अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करूँगी। नोज के कॉर्नर में, लिप्स के कॉर्नर में अच्छे से मसाज करूँगी। क्या होता है ना, हमारा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह जो होते हैं उससे रिमूव हो जाते हैं स्क्रब करने से। वीक में एक बार तो स्क्रब करना ही चाहिए। और इसी स्क्रब से मैं अपने लिप्स पे भी स्क्रब करूँगी। मैं अलग से कोई लिप स्क्रबर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसी से अपने लिप पे भी स्क्रब कर लूँगी। अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्क्रब करने के बाद अपने फेस को फ्रेश वाटर से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और एक टॉवल लेके मैं अच्छे से अपने फेस को डैप डैप मोशन में अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फेस पैक बनाने की बारी है। तो फेस पैक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अल्प गुडनेस का बीटरूट पाउडर। इसको मैंने अप्रॉक्स 2 स्पून लिया है अपने फेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है और इसके बाद एक मैंने लिया है विटामिन ई की कैप्सूल और उसमें मैंने रोज वाटर मिक्स किया है, जैसे क्वांटिटी है उस तरह से अपने हाथों से ही मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। बीटरूट में क्या होता है, भर भर के विटामिन सी होती है, जिसके कारण हमारा फेस जो होता है हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बीटरूट पाउडर हमारे फेस को बहुत ही स्मूथ बनाता है, ग्लोई बनाता है। विटामिन सी हमारे फेस को ग्लोई बनाता है। तो मैं इसको, इस पैक को अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर। उसके बाद मैं इसी फेस पैक को अपने लिप्स पे भी लगा लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी लिप्स के लिए अलग फेस पैक वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये बीटरूट पाउडर जो है आप अपने आँखों के नीचे भी आप चाहो तो लगा सकते हैं, अपने नेक में, फुल बॉडी में बहुत ही फ़ायदा होता है। ये बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे स्किन को, हमारे हेयर को, सब कुछ को। उसके बाद मैं अच्छे से फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी फ्रेश वाटर से। उसके बाद मैं यहाँ पे 4-5 आइस क्यूब लिया है, एक टॉवल में इस तरह से उसको रैप कर लिया है। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे इस तरह से मसाज करूँगी। आप मसाज करोगे आपको ठंडा ठंडा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इससे क्या होता है कि हमारा जो हम मेकअप करेंगे वो स्वेट प्रूफ रहेगा, हमारे स्किन बहुत ही ग्लोई करने लगता है, अचानक से बहुत ही स्मूथ बना देता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ग्लोई बना देता है हमारे स्किन को और स्वेट प्रूफ तो रहता ही रहता है। ये हमारा जो आइस क्यूब है इस तरह से हम लोग मसाज करेंगे 2-3-4 मिनट तक, मतलब जब तक ये आइस क्यूब हमारे इस टॉवल में रहेगा या फिर आप कोई भी कपड़े में, जो भी कपड़े में आप ले रहे हो उसको, कपड़े में जब तक ये रहेगा तब तक आपको इस तरह से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जिससे हमारा फेस जो है ग्लोई होगा। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से आइस क्यूब से मसाज कर लिया है। अब मैं अच्छे से, आप देख सकते हो कि मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है आइस क्यूब। इस तरह से मैं सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लूँगी। अपने लिप्स को भी नहीं छोड़ना है, लिप्स पे भी मसाज
मसाज करना है इसी आइस क्यूब से। आइस क्यूब से क्या होता है, हमारा जो फ्लफीनेस होता है आइस अंडर आई पे वो ख़त्म हो जाता है, हमारा जो स्किन स्ट्रक्चर है वो उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और जो भी हमारे डल स्किन वगैरह है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं अपने स्किन केयर स्टार्ट करूँगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाया है मैंने टोनर रोज़ वाटर, एज ए टोनर लगाया है रोज़ वाटर को। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हिमालय का सीरम, इसको अपने पूरे फेस पे इस तरह से लगाया है, और थोड़ा देर तक इसको अच्छे से अपने फेस पे इस तरह से मसाज कर लेना है आपको। उसके बाद सीरम लग गया है, उसके बाद एक मिनट के बाद मैं यहाँ पर अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ, ये भी हिमालय का अंडर आई क्रीम है, इसको अच्छे से फिंगर के हेल्प से अच्छे से मसाज करना है अंडर आई को। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइजर, इसको मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। उसके बाद दो मिनट तक अपने हाथों से ही मैं मसाज करूँगी। मॉइस्चराइजर आप भर भर के लगाएं, और समर में खासकर लाइट वेट का मॉइस्चराइजर लगाएं, जो हैवी होता है वो हमारे फेस को चिपचिप बना देता है समर में। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिप बाम, हिमालय का यह लिप बाम है, सॉरी वैसलीन का लिप बाम है, इसको मैंने अपने पूरे लिप्स पे लगा लिया है। आप देख सकते हो कितना ही ग्लोई हो गया है हमारा, मेरा स्किन कितना शाइनी लग रहा है, कितना हेल्दी लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अगर आप चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।